हम लोगों ने अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। एट द बोर्ड मीटिंग द फाइनेंस डायरेक्टर प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन 3 रिस्क एंड हाईलाइट करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट एंड बोर्ड इज रिक्वायर्ड फर्दर एनालिसिस ऑफ रिस्क। ठीक है, और रिक्वायरमेंट में हमसे पूछ रहे हैं द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन स्किल्स स्लाइड्स फॉर वन वन फॉर ईच रिस्क आइडेंटिफाइड एंड अकंपनिंग नोट्स फॉर द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग असेसिंग द पोटेंशियल आउटकम of each of the information system risk identified the finance director। अच्छा जी, और recommendation देनी है on the action for each risk which highlight should take in order to control this risk। professional marks and demonstrating commercial acumen 3 marks यानी कि total 15 marks के आपके पास requirement आ गई। jump to the अच्छा कहाँ से jump करें, वापस नीचे देखें जी, हमें CEO की statement मिल गई, हमें की इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, फिर हमें होटल इंडस्ट्री रिपोर्ट आ रही है, हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं, चेंजिंग कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स आ रहे हैं, फिर ये हमारे पास फैक्ट शीट मिल रही है प्रपोज एक्विजिशन की एग्जिबिट 3 में, ये भी रेलेवेंट नहीं है, न्यूज़पेपर आर्टिकल रिसेंट जो एक्विजिशन हो रही है उसकी, ये भी रेलेवेंट नहीं है, चेयरमैन बैठा हुआ है, सीईओ बैठा हुआ है, फाइनेंस डायरेक्टर बैठा हुआ है, ऑपरेशन डायरेक्टर बैठा हुआ है, सेल्स और मार्केटिंग। अच्छा जी, किसने बुलाई थी? मिस्टर एल क्रेन ने, चेयरमैन ने 2 बजे के टाइम पे ओपनिंग स्टेटमेंट दी। चेयरमैन ओपन द मीटिंग सेटिंग द मीटिंग हैड बीन स्केड्यूल्ड टू डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द हाईलाइट इन मैनेजिंग इन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ही नोटेड दैट पर्सनली फ्रॉम द रैपिड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डिफिकल्टीज टू कीप पेस विद बट वाज कॉन्फिडेंट दैट हाईलाइट वुड कीप डेवलप एप्रोप्रिएट रीजंस टू दिस डेवलपमेंट्स। द फर्स्ट एजेंडा आइटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जे ब्राउन सेल्स एंड Director, Miss Brown expressed a concern that the hotel concept is under threat. Chalo. There have been a more alternative for customers to staying in a traditional hotel. In particular, she explained the emergence of renter room. She had emailed the handout below to the board in advance to help their understanding of a new threat. Explanation of renter room. Renter room is totally online marketplace which offers flexible hospitality, enable guests to quickly conventionally book short-term room loading with third-party hosts. ठीक है, this include apartment rental homestays, hostels and hotel rooms. तो जनाब ये किसकी example हो गई है, जरा दिमाग में लेकर आओ ये आपको इशारा किसकी तरफ दे रहा है, practical world में क्या है। सर आपने बताया था बीएनबी, एयरबीएनबी, राइट, उसी का इशारा मिल गया, मिल गया, ऐप पे जाओ बुकिंग कराओ और चले जाओ रह लो, तो ये वो चीज आ गई। सो रेंट अ रूम रिसीव्स अ परसेंटेज सर्विस फ्रॉम द बोथ गेस्ट एंड द होस्ट फॉर एवरी बुकिंग मेड। इट हैज ओवर 2 मिलियन अकोमोडेशन इन दिस थिंग इन 60,000 टाउन्स एंड सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, Notably, it doesn't own any of the lodgings it advertises. Many of the hostels listed with rent or room offer high-speed internet, Wi-Fi facilities, plus extra such as web series, web movies, and the prices charged are often far lower than our hotel room prices. ऐसा ही है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या आ रहा है? Mr. Thomas, Mr. Iyer, Highlighted Operations Director, stated his belief that a rent or concept is a limited threat to the highlight established business model. His opinion was that it's just people sleeping on the floor of a friend's house and raiding their fridge in the morning. It's hardly what we offer. Customers want more, far more than that. He also expressed his belief that this would be a short-lived phenomenon. The threat from a renter room is clearly more of an if rather than a when. I think we should not react and just let this blow over. चलो जी, ये overconfident होता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। क्या
क्या कह रहा है कि जी ज्यादा कोई थ्रेट नहीं है, एक छोटे अरसे तक होगा, उसके बाद भूलभुलैया आ जाएंगे, लोग वापस आएंगे, बुराइयां कर रहे हैं कि जी ऐसा है कि आप फ्रेंड के घर पे जाके नीचे फ्लोर पे लेट रहे हो, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है भाई, आपकी नीड पूरी हो रही है। Mrs. Elizabeth Fox highlighted final direct recommended that technology was likely to be a key disruptive influence on the future of hotel industry. She explained modern travelers, primarily the millennials, those people born approximately 20-40 years ago, are looking for value for money, flexibility, and the ability to manage their hotel stay from bank booking through flexible checkout, all via their smartphone. She also noted that smartphone apps are now being developed to enable smartphones to be used as an alternative to a key for door entry system to hotel. Achha ji, other technological developments in the hotel industry were discussed, including the emergence of online travel agencies, hotel comparison and booking sites, and the development of personalized technologies such as smartphone apps, which provide guests with personal services, customize local offers from local business partners, including facilities at local restaurants and cheap tickets for local attractions. Elizabeth Fox concluded the discussion with the statement that hotels can no longer simply rent rooms. We need to give the traveler more reasons to book with us directly. The chief director, executive Bernie Works, summarized by stating, "Highlight could not ignore disruptive technologies before any decision made on how to react. Assess the extent of strategic threat before identifying relevant responses." ठीक है, तो यहाँ पे जी सब अपनी अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है, कोई बिल्कुल ही कह रहा है कि हल्का ले रहा है, कोई इसको बहुत ज्यादा ले रहा है, कोई न्यूट्रल है, आपने अभी तक यही देखा है। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल। द फाइनेंस डायरेक्टर ओपन द डिस्कशन ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल विद द स्टेटमेंट दैट ऑल्दो हाईलाइट हैज इनवाइटेड invested significant amount of money in website last 4 years, it has not developed a clear information system strategy. Also, he expressed a concern that control and management of the risk to IT system environment have not been adequately addressed. Chalo, ek aur issue mil gaya, theek hai? Jahan pe chairman comment kar raha hai ki highlight world has not experienced any breaches of IT systems, to kya intezar karoge? We must be doing something right. The finance director presented to board what she considered to be a three key information risk consideration, जो कि आपको appendix 1 में दिए हैं। Finance director recommend this risk should be prioritized and highlight must take appropriate action to control this risk. Finance director present कर रहा appendix 1 to the board actions to be addressed before the next board meeting. अच्छा ये आ गया, देखो ये आ गया आपके तीन रिस्क। ठीक है, वीक फोकस ऑन आईटी स्ट्रेटजी, आईटी सिस्टम डेवलपमेंट, लिमिटेड सपोर्ट फॉर आईटी स्ट्रेटजी एट बोर्ड लेवल, साइबर सिक्योरिटी, साइबर एंड डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस, फेलियर टू अपडेट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है, बिजनेस कंटिन्यूटी थ्रेट आ रहा है, इनसफिशियंट प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी बिल्कुल है। ठीक है, एक्शंस टू बी एड्रेस क्या है जी, हमें आइडेंटिफाई करने चैलेंजेस को, रिकमेंड करने क्या एक्शंस है, आइडेंटिफाई करें अप्रोप्रिएट एक्शंस को, इन्वेस्टिगेट करें पॉसिबिलिटी ऑफ रिक्रूटिंग एन आईटी डायरेक्टर। चलो अब देखो जी, रिस्क वन मेरा आउटकम्स, रिस्क वन लैक ऑफ फोकस ऑन आईटी और इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी, आपको वो स्लाइड से मिल गया था वो अपेंडिक्स वन से। ठीक है, वापस पीछे जाने की जरूरत हमें नहीं आई। तो हाईलाइट बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी इज नॉट सपोर्टेड बाय आईटी, क्या कह लो आईएस स्ट्रेटेजी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लीडिंग टू फेलियर, फेलियर हो सकता है। हो गई है बात। अगला बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर रहे हो ड्यू टू पुअर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही बात है या नहीं? सही
नंबर थ्री, वेस्टेड, आपकी रिसोर्सेस वेस्ट हो सकती हैं क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है? सो वेस्टेड रिसोर्सेस ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड डायरेक्शन। अच्छा जी, अब हमें इस पे क्या देनी है? रिकमेंडेशन। एक्शंस, जस्ट मुझे इसको अब क्या करना है, हेडिंग के तौर पे दिखाना है क्या ऊपर? हाँ, हो गया, बड़ा काम नहीं हो गया। अब आ जाओ, रिकमेंडेड एक्शंस इंप्लॉय करें क्या? आईटी डायरेक्टर, अभी स्लाइड एक 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 रिकमेंडेशन आ गई, दूसरी रिकमेंडेशन क्या है? अलाइन करें बिजनेस स्ट्रेटेजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है? अलाइन द बिजनेस स्ट्रेटेजी विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी। हो गया काम, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ, आगे 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 नोट्स। अब मैं क्या करूंगा जी, नोट्स, अपने नोट्स लिखने और उसमें मैंने आपको बताने क्या आउटपुट। चलो आज को आज आउटकम्स क्या है जी, आपने क्या लिख देना जी, अ फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेल मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द डेवलपमेंट of an information system strategy, a major risk to the long-term success of our business, of our business is our lack of strategic focus on information system and its importance to achieving our overall business स्ट्रेटेजी, ठीक है? सबसे पहले क्या बात करी कि एक फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एक वेल मैनेज या कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि डेवलपमेंट करो इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी की, मेजर रिस्क क्या होगा लॉन्ग टर्म सक्सेस का बिजनेस की, के लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक फोकस होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इंपॉर्टेंस है कि आप अचीव करें ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है? अच्छा जी, अब इस पे आगे बात करी कि अगर इफ आवर बिजनेस स्ट्रेटेजी इज सपोर्टेड विद, क्या कहना चाहिए, इज नॉट सपोर्टेड एंड इंटीग्रेटेड विद आवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, then it is likely that our overall business objectives
will not be successfully achieved. For example, our strategic focus on growth, innovation as defined in our chief executive statement would be jeopardized. If this innovation was not conceded alongside the alongside the appropriate technologies. Which can support and drive such innovation. अच्छा जी, अगर हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी सपोर्ट नहीं होगी और उसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी के साथ, तो भाई एक लाइकली इशू है कि ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो आप सक्सेसफुली अचीव ना कर पाओ. ठीक है, ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स रखें, गेस्ट एंटरटेन करें, और अब लोग जो है टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा कर रहे हैं, और आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाओगे. ठीक है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक फोकस जो ग्रोथ इनोवेशन है CCEO के मुताबिक जो इसकी स्टेटमेंट है वो ज़रा प्रॉब्लम में आ जाएगी अगर ये अपनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज नहीं लेकर आएंगे और इनोवेशन लेकर नहीं आएंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है जी, हेडिंग आ जाती है रिकमेंडेड एक्शंस. रिकमेंडेड एक्शंस मेरे क्या होंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर टूवर्ड्स लैक ऑफ फोकस द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी is the fact that we do not have an IT director who can lead our information systems development for a business of our size. Business size and the nature of dynamic dynamic technologies for a business of our size. Developments occurring an IT director would seem to be essential
ये बात करती है जी एक कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर क्या है, लैक ऑफ फोकस पे, के इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी है, पर जो फैक्ट है वो हमारे पास आईटी डायरेक्टर जो के इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट नीड्स को लीड कर सकता है। ठीक है, हमारा जो ये यानी कि हमारा मीन हाईलाइट का जो बिजनेस है और उसकी जो नेचर है वहाँ पे कंटिन्यूसली डायनेमिकली टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ रही है और आईटी डायरेक्टर जो है उसकी जरूरत एसेंशियल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो रिकमेंडेशन क्या आ जाएगी फाइनली, वी शुड देयरफॉर कंसीडर द एनवायरमेंट ऑफ एन आईटी डायरेक्टर। And provide a strategic focus, and direction for our information systems to ensure that the information system strategy is supported and it enhances the overall business strategy। ठीक है जी, तो आखिर में हमने क्या कहा कि भी कंसीडर करो आईटी डायरेक्टर को एम्प्लॉय करने के लिए और उसको एक स्ट्रेटेजिक फोकस आप और उसको प्रोवाइड करें स्ट्रेटेजिक फोकस डायरेक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह से ताकि इंश्योर कर सके कि इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी है वो सपोर्टेड है और एनहेंस कर रही है पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी को। ठीक है, यहाँ तक आपने इसमें बात करनी थी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिस्क आ जाता है। ओके, रिस्क टू हमारा आपके सामने है जो इसमें नजर आ रहा था वो साइबर एंड डेटा सिक्योरिटी का नजर आ रहा था। ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रहे थे, देखो रिस्क टू आगे हमारे पास आप स्लाइड पे देख सकते हैं। सो गेट बैक टू द शीट, वो साइबर एंड डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस आ रहे हैं तो इसमें आउटकम क्या हो सकता है भाई, साइबर और डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस में अपना दिमाग लगाते हुए बात करें तो लॉस ऑफ की ऑर्गेनाइजेशनल एंड कस्टमर डेटा। ठीक है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी ब्रीचेस होता है साइबर डेटा की तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर डेटा आप लूज कर सकते हो। सीवियर बिजनेस इंटरप्शन हो सकती है लीडिंग टू लॉस ऑफ बिजनेस। तीसरा क्या हो सकता है, डैमेज टू रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू कंपनसेशन एंड लीगल क्लेम्स। ये आपको मैंने तीन आउटकम्स बता दिए, क्या भाई कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर डेटा लूज हो सकता है उसकी वजह से आपको बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसमें इंटरप्शन हो सकती है, बिजनेस लॉस हो सकता है और थर्डली डैमेज हो सकता है आपकी रेपुटेशन को डैमेज हो सकता है, फाइनेंशियल कॉस्ट का आपका इशू हो सकता है, कंपनसेशन और लीगल क्लेम्स आपके ऊपर आ सकती है। रिकमेंडेड एक्शंस क्या होंगे अब, अच्छा जी इन्वेस्ट करें इन द लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स, फिर इंप्लीमेंट करें अपग्रेड करें इंफॉर्मेशन सिस्टम
एक्सेस करें कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है जी, यह हमारे क्या कहना चाहिए हो गए। अब हमने नोट्स लिखने हैं और पहले हम लोग बात करेंगे आउटकम्स पे। साइबर एंड डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस आर सिग्निफिकेंट threat to the modern business. This including the highlight as an organization, we could be vulnerable to the threat of external thinking of our key organizational data, ठीक है। आप देखें जी साइबर और सिक्योरिटी ब्रिचेज में वो सिग्निफिकेंट थ्रेट है किसी भी बिजनेस के लिए, इंक्लूडिंग हाईलाइट एक जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वल्नरेबल थ्रेट हो सकता है, एक्सटर्नल हैकिंग हो सकती है ऑर्गेनाइजेशनल डाटा की, सही है। फिर अ कंसिडरेबल थ्रेट यानी कि एक और थ्रेट जो कि आप कंसिडर कर सकते हो, कंसिडरेबल थ्रेट कुड बी ऑफ वायरस इन्फेक्शन व्हिच कुड करप्ट or in the worst case scenario delete or disable our critical operating system. The consequences of such threats are that our business would suffer severe interruption, okay, by virus infection ki wajah se aapka business corrupt ho sakta hai aur कुछ फंक्शन वगैरह जो है वो आपके डिसेबल हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकते हैं ऐसे थ्रेट्स के थी कि आपके बिजनेस में इंटरप्शन आ जाए, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो लीडिंग टू लॉस ऑफ बिजनेस एंड डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर किस तरह डिससैटिस्फाई होगा भाई, उसका डाटा वगैरह लॉस हो जाए, बुकिंग वगैरह तो उसको टाइम पर पहुंचे ना, तो डिससैटिस्फेक्शन हो सकती है, आप बिजनेस लूज कर सकते हो। अच्छा जी, तो आप क्या रिकमेंडेशन दूंगा मैं, रिकमेंडेशन ये होगी, वी मस्ट मेक श्योर दैट वी ऑपरेट द लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फायरवॉल्स एंड वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर एंड regular testing of our security systems should be carried out and backups of
all our data undertaken regularly and stored separately. मेक श्योर करेंगे लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फायरवॉल्स हैं, वायर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर है आपके पास जो है रेगुलर टेस्टिंग हो रही है सिस्टम्स की, बैकअप्स वगैरह आप रख रहे हो डाटा के रेगुलरली और उसको अलग से स्टोर कर रहे हो, ये आपने क्या करा, रिकमेंडेशन दे दी. अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट बेसिकली, राइट, जरा वापस देखते हैं अपेंडिक्स 1, बिजनेस कंटिन्यू थ्रेट, इनसफिशिएंट प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी, लैक ऑफ अवेयरनेस एट द बोर्ड लेवल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. हो गया जनाब, अब जरा वापस चलें, क्या बिजनेस कंटिन्यूटी थ्रेट आउटकम्स, आउटकम्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो अनेबल टू ऑपरेट इफेक्टिवली ड्यू टू नो डिजास्टर रिकवरी प्लान, ठीक है, लॉस ऑफ बिजनेस, डैमेज टू रेपुटेशन और सी टू ऑपरेट. तीन आउटकम्स हो सकते हैं, क्या जी आप इफेक्टिवली जो है ऑपरेट नहीं कर पाओगे डिजास्टर रिकवरी प्लान ना होने की वजह से, बिजनेस लॉस हो सकता है, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, या फिर आपके ऑपरेशन सीज हो सकते हैं. सो क्या रिकमेंडेशन दोगे, रिकमेंडेशंस आप दे दोगे के इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करें डिजास्टर रिकवरी प्लान को. दूसरा, स्ट्रेटेजिक लेवल फोकस होना चाहिए, रोल ऑफ आईटी या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया. अब हमें रिकमेंडेशंस की भी हमारा इसमें काम हो गया, अब हमें नोट्स बनाने हैं. सो अब नोट्स पे काम करते हैं, नोट्स अच्छा जी, आउटकम क्या है, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस level of the importance of our digital information systems continuity our operations and the need to ensure that we have in place to ensure business continuity should a disaster even take place. Sufficient
assessment. It is likely that highlight will not be ready for critical event. अच्छा जी, पहले क्या बात करी मैंने कि जी लैक ऑफ अवेयरनेस पाई जाती है बोर्ड लेवल पे इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जिसकी वजह से आपकी कंटिन्यूटी जो है ऑपरेशंस की उस पे एक क्वेश्चन मार्क टाइप आपको नजर आ रहा है. तो आपको इंश्योर करना होगा कि प्लान जो है वो मौजूद है बिजनेस कंटिन्यूटी के. अगर डिजास्टर हो जाता है कोई, ठीक है, और इनसफिशिएंट प्लानिंग की वजह से, रिस्क असेसमेंट ना होने की वजह से आप उस क्रिटिकल इवेंट को क्या कहना चाहिए, कॉप करने की पोजीशन में नहीं हो सकते. ठीक है, तो देखो आप आगे बात लिख रहा हूँ. दिस में रिजल्ट इन द बिजनेस बीइंग unable to operate a period of time if we will lose customers and revenue will be severely affected. Our reputation is also likely to be damaged if our disaster recovery plans are ineffective or in. वर्स्ट केस का सिनेरियो फॉर बिजनेस एंड आ गई है कि भाई इसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर टाइम हम लोग ऑपरेट करने के काबिल नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग कस्टमर लूज कर सकते हैं, हमारा बिजनेस अफेक्ट कर सकता है, हमारा रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है, हमारी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है. अगर हमारे डिजास्टर रिकवरी प्लान इनएफेक्टिव और इनएडिक्वेट होंगे, वर्स्ट केस सिनेरियो में भाई हम लोग बिजनेस से बाहर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो फाइनली हमें क्या देंगे, रिकमेंडेशन. क्या रिकमेंडेशन देंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि द बोर्ड मस्ट इंप्लीमेंट a disaster recovery plan to encompass a range of potential threats our information systems including terrorist attacks, cyber attacks, fire, flood, or other potential critical system threats
which disaster may occur and assess their level of threat to the business and ensure we have sufficient arrangements to manage such. तो जनाब हमने ये भी दे दिए रिकमेंडेशन भी के बोर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट करे डिजास्टर रिकवरी प्लान, इंकमेंस करे कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन अटैक्स हो जाए सिस्टम को हो जाए इंक्लूडिंग टेररिस्ट अटैक अगर सोबिया में कंसीडर करना है, साइबर अटैक को करना है, आग लग जाए, फ्लड हो जाए, कोई या सिस्टम को कोई थ्रेट्स हैं और कोई दूसरे, ये थ्रेट्स को आप असेस करें और देखें कि वो करें कि किस थ्रेट के होने के चांसेस ज़्यादा हैं कम है, ठीक है, और उस हिसाब से आपकी प्लानिंग वगैरह कर लें या आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको ये मैक्सिमम मार्क्स यू कैन स्कोर इन इट. आई होप क्लियर है.